इवेंट लाइव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं क्रिकेट एक्सपर्ट अय्यूब फारूकी आपको उत्तर गुजरात की उस शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जिसने उत्तर गुजरात क्रिकेट को एक नया आयाम बख्शा। डॉक्टर मुकेश चौधरी नाम तो आपने सुना ही होगा, उनके साथ मोहतरमा उषा बहन चौधरी, ये डॉक्टर कपल है। डॉक्टर मुकेश चौधरी की मैं पहचान आपको दे दूं, डॉक्टर मुकेश चौधरी साहब नेफ्रोलॉजिस्ट है और 2000 की साल में उन्होंने उपासना किडनी हॉस्पिटल की शुरुआत की और करीब करीब हमें पता चला जब चौधरी साहब से हमारा रब्ता हुआ और कभी कभी हम उनसे पूछ लेते थे कि साहब एक डॉक्टर होने के बाद और इतने बड़े डॉक्टर होने के साथ साथ आप क्रिकेट के लिए कैसे वक्त निकालते हो, तो साहब ने हमसे कहा कि भाई 2002 के करीब करीब उन्होंने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कुछ बच्चों के गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को मेहसाना उत्तर गुजरात से भेजने के बारे में उन्हें एक ऐसी चोट लग गई, उन्हें दिल को एक ऐसे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए। और वैसे भी जो आदमी पैसे से समृद्ध होता है वही कोई बड़ा इवेंट भी कर सकता है और वही आगे भी ले जा सकता है। तो मैं डॉक्टर चौधरी साहब की आपको ज़्यादा पहचान न दूँ, एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर, साइकिल इंडियन साइकिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की हैसियत से मेरे ख्याल से 5 साल से वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हम उनसे कुछ जानना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। डॉक्टर चौधरी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल, आपके बिजी शेड्यूल और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर की हैसियत से हमें पता है कि इंसान के शरीर के ऑर्गन में किडनी एक बहुत बड़ा फंक्शनिंग करता है, इतनी बड़ी हैसियत होने के बाद और इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद आप क्रिकेट के लिए वक्त कैसे निकालते हो और आपको क्रिकेट में रुचि किस साल में आई और कैसे आपने ये FSC की शुरुआत की? वैसे तो मैं एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट काफ़ी बिजी रहता हूँ भी, मगर मुझे स्पोर्ट्स में वैसे ही सारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है जी। वैसे मैं पहले एक फुटबॉल प्लेयर था और स्कूल के लिए खेला करता था जी, मगर फिर यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट खेली जाती थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि फुटबॉल नहीं तो क्रिकेट ही सही जी। और हमेशा ये रहता था कि हमारे प्लेयर्स यहाँ से कोई अच्छी तरह कोचिंग ले जी, तो ही इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे जाके टिक सकते हैं जी, और आगे जाके सिलेक्शन उनका हो सकता है जी। और इसी वजह से मैंने टाइम निकालना शुरू किया, और ये टाइम तो ऐसी चीज़ है कि जो कितना इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो उसके लिए हमेशा टाइम निकलता ही रहता है, वो निकालना पड़ता है, हमने भी सुना है। वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से कैसे भी करके वो टाइम निकाल, यानी वो जज्बा आपने पैदा किया, अपने आप में वो जज्बा पैदा किया। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्रिकेट ही क्यों, और इसके बारे में हमने सुना है कि शायद आपको एक चोट ऐसी छोटी सी लगी थी कि जब आपने 2000 के करीब जब हॉस्पिटल की शुरुआत की उसके एक दो या तीन साल में जब आप किसी मैदान पर गए बच्चों को लेकर आएंगे, क्योंकि हम बताना चाहते हैं लोगों को कि डॉक्टर मुकेश चौधरी जो आज मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो क्रिकेट में कैसे आए डॉक्टर होने के बावजूद, और आज 20 साल से कम दो दशक से एक क्रिकेट की एक संस्था के साथ साथ मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के एज अ प्रेसिडेंट, वो अब आने वाले सालों में, क्योंकि अब तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया है, हम यहाँ शुक्रगुजार हैं गुजरात डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल साहब का कि उनकी मेहनत और नगरपालिका की वजह से अब मेहसाणा में क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब बन चुका है। आने वाले 6-12 महीनों में शायद अब हो सकता है कि बड़ी बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन की मेहसाणा में होने लगे, क्योंकि उसमें आपका रोल अहम होगा। तो आप क्रिकेट में कैसे और कब आए सर? वैसे मेरा बच्चा जब 7-8 साल का था जी, तो उसको क्रिकेट खेलने का शौक हुआ जी, और सोचा कि चलो इसको भी कोचिंग दिलाए जी। तो तब ऐसा था कि बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए वहाँ खेलने के जाने के लिए मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट की टीम जब सिलेक्ट होती थी जी, तो एक जगह पे जमा होते थे और 5-7 बॉल प्ले करने को कहते थे और फिर जाके उनको बेसिकली सिलेक्शन दिया जाता था जी। और उस सिलेक्शन के समय कई बार बहुत गलत तरह से
बोला बच्चों के साथ बर्ताव किया जाता था, तो ये सब कुछ देखकर मैंने सोचा कि नहीं, अगर यहाँ से लड़के भेजने ही है और कोचिंग अच्छी तरह करनी, तो उसके लिए कोचिंग अच्छी तरह करनी है, और कोचिंग अच्छी तरह होगी तो ही वो लड़के जहाँ जाके मैच जीतेंगे या बड़ोड़ा के प्लेयर्स के साथ अच्छी तरह परफॉर्म करवाएंगे। और तभी सोचा कि मैंने आज से तभी मैंने सोचा कि अच्छा कोच रखेंगे और एक कोचिंग ग्राउंड पे व्यवस्थित ट्रेनिंग हो और फिर सिलेक्शन करके वहाँ पे जाए। इसका मतलब ये कि कभी कभी इंसान की जिंदगी में जब उससे खुद ये रियलाइज होता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, वहीं से उसकी एक अच्छाई की शुरुआत भी हो जाती है, उसको हम ये समझ सकते हैं सर। ये हो सकता है कि वही समय था और वही चांस था कि जब मुझे ये अच्छा सीए क्लब शुरू करने का मौका मिला। सर आपने बताया अभी अभी कि 2000 में करीब आपने उपासना किडनी हॉस्पिटल की एक नई शुरुआत की और 2002 में आपने FSC की शुरुआत की, उस संस्था को एस्टैब्लिश किया, तो अनकरीब दो दशक हो चुके हैं, और 2000 और 2021 इन 20 सालों में बहुत कुछ आपने फेस किया होगा एज अ प्रेसिडेंट क्रिकेट मैसाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट और FSC के प्रेसिडेंट रहते। 2021 में तो अब मैसाना को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल चुका है, एक नया आयाम अब मिला है ये कह सकते हैं। सर इन 20 सालों के आपके तजुर्बे के बारे में आप कुछ बताएंगे, आपने क्या क्या फेस किया और कितने लड़के FSC से बड़ौदा तक गए हैं और आने वाले सालों में आप कौन जा सकते हैं? वैसे हमेशा की तरह मैं हमेशा स्पोर्ट्स में तो काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। मेरे IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारी स्पोर्ट्स की जो है, हम वॉलीबॉल क्रिकेट या कोई भी गेम हो, स्पोर्ट्स नाम का हो तो मैं वहाँ पे हमेशा मेरा नाम जुड़ा रहता था और मैं हमेशा कोशिश ये करता था कि वो अच्छी तरह से अच्छे इवेंट कर सके। और इसकी वजह से ये जब 2002 में से मैंने जब ये फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब शुरू किया जी। तब यहाँ पे दूसरे अच्छे लोग थे जो मुझे इसमें मदद की, और बहुत सारे लोग इनके इसमें थे कि जो इसमें मदद की मुझे, और तब जाके मीन्स 2002 ऑनवर्ड्स धीरे धीरे क्रिकेट में इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया जी। और ना ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की टीम का परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बढ़ता गया, मगर वैसे हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी क्रिकेट रोज खेला करती थी और वो भी हमेशा चैम्पियन रहती थी, दूसरी कहीं भी जगह जाए तो चैम्पियन रहती थी, और इस तरह मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और बच्चे फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब में रेगुलर ट्रेनिंग के लिए आते थे, और उसकी वजह से प्लस अच्छे कोच थे जो जैसे कि अशोक भाई फिरोज था, खोड़ा जी अंकल थे, आसिफ भाई और आसिफ भाई थे, ये सब लोग मुझे जुड़ते गए, मेरे साथ जुड़ते गए चले गए। और वैसे कैसे कहते हैं ना कि जो अच्छा काम करने बैठे तो अच्छे लोग मिलते ही रहते हैं, बेशक सर। तो वैसे ये सिलसिला बढ़ता गया और हमने आगे जाके एक अच्छी अच्छी टूर्नामेंट भी खिलाई, जैसे कि खास करके एक चैंपियंस ट्रॉफी हम 2012 में जी। हमने एक लाइव लाइव क्या कहते हैं IPL की तरह ही IPL की तरह ही वैसे MPL वैसा उसका मैं भी हिस्सा रहा हूं सर उसमें। हाँ, इसमें फारूकी भाई ने बहुत ही मदद करी थी जी जी। फारूकी भाई है, गिरीश भाई जो यहाँ पे है जी जी जी। वो सब लोग इसके इसमें जुड़ गए थे, वाल्मीकि भाई पटेल करके जी, है जी, जी। जो अहम रोल था उनका भी बहुत ही बड़ा रोल था जी, जी, जी। और हमने सोचा था कि अच्छी से अच्छी बने टूर्नामेंट खेले, और वो टूर्नामेंट एक यादगार टूर्नामेंट रही जो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे इतनी करनी मुश्किल तो होगी, नामुमकिन तो नहीं होगी मगर मुश्किल तो होगी। आपने बहुत बड़ा सवाल छेड़ दिया सर, ये मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, लेकिन इसको मैं डॉक्टर मुकेश चौधरी और डॉक्टर उषा बेन की सबसे बड़ी उपलब्धि मान सकता हूँ पिछले 20 सालों में। हाँ, ये डेफिनेटली है, क्योंकि साइकिलिंग तो आपका शौक रहा है और क्रिकेट से वो थोड़ा दूर भी है सर। पर 2012 का वो MPL टूर्नामेंट मेरे हिसाब से उत्तर गुजरात का नहीं बल्कि गुजरात का सबसे बड़ा डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन का हुआ करता था। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जो 2012 में हमारे साथी रहे हैं वाल्मीकि पटेल, कई सारे दोस्त थे उसमें, उदय ब्राव बारोट थे, जैसे अशोक भाई हिंगू थे, इनके कोच साहब थे, खोड़ा जी अंकल थे, आसिफ भाई थे,
दाऊद मीर थे, कई ऐसे सारे हमारे दोस्त आए। डॉक्टर साहब को हमने एक प्रपोजल दिया कि सर हम एक टूर्नामेंट करना चाहते हैं। साहब ने कहा कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। फिर वो टूर्नामेंट हमने शुरुआत की, उसको जब हमने लॉन्च किया तो हमको इतना ज़बरदस्त रिव्यू मिला। इसी मकान में, ये जो डॉक्टर साहब के मकान में इस वक्त हम बैठे हैं, इसी मकान में हमारी करीब एक महीने तक मीटिंगें चलती रही। फिर उसको हमने एक आयाम दिया और एक अमली जामा पहनाया। उसके बाद टूर्नामेंट लॉन्च हुई, 32 टीमें इसमें पार्टिसिपेट हुई थी सर, जिसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ बड़ौदा की रणजी ट्रीप थी, रणजी ट्रॉफी की टीम थी, गुजरात रणजी ट्रॉफी की पूरी टीम यहाँ खेली, और उसके बाद सौराष्ट्र की रणजी ट्रॉफी की टीम, हरियाणा से एक टीम आई, एक दिल्ली से आई, यानी अत्र गुजरात के और गुजरात के बाहर की कई टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस मिला। वो टूर्नामेंट उत्तर गुजरात में नहीं, लेकिन गुजरात के बड़े बड़े खिलाड़ी, जिनको मैं आपको याद कराता चलूँ कि हाल में खेल रहे हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, सेल्डन जैक, अक्षर पटेल जो कि इंडिया खेल रहे हैं, केदार जाधव, दीपक हुड्डा, ये सारे खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। आपको तो पता भी नहीं होगा कि आने वाले सालों में ये इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। सर यहाँ मैं एक बात और जोड़ दूँ कि उस टूर्नामेंट के साथ साथ हमारी मुलाकात ऊषाबेन चौधरी का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है सर? क्योंकि ऐसे तो सुनने में आया है कि एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए वंडरफुल वुमन। आपकी माँ का रोल होगा जब आपको उन्होंने डॉक्टर बनाया, लेकिन क्रिकेट में हमारी ऊषाबेन का, हमारी बहन का बहुत बड़ा साथ रहा होगा, आज भी वो आपके साथ खड़ी है। इन सारी इवेंट्स में वैसे देखने जाए तो जो भी करे जी, कोई भी चीज़ अगर बड़ी अच्छी तरह करना है तो उसके लिए वक्त बहुत ही निकालना पड़ता है जी सर। और सिर्फ वक्त से भी काम नहीं चलता है, वक्त जब पहले तो आता तो वक्त निकालना पड़ता है, तभी घर वालों का सपोर्ट बहुत ही होना जरूरी है। मगर उसके उपरांत उषा है वो खुद मेरी जो इंटरेस्ट है वो उसकी इंटरेस्ट कर लेती थी, और इसकी वजह से वो खुद ग्राउंड पे आती, वो खुद सारे इवेंट का मैं सजेशन मैनेज करती थी। वो मीन्स कोई भी चीज़ हो तो आई वुड से कि मैं उसके पर ही छोड़ देता था जी सर, और मुझे पूरी मदद मिलती थी, और तभी आगे ये सब कुछ मैं कर पाया हूँ और करता रहूँगा। मुझे आशा है कि ये सब कुछ यही ऐसे ही चलता रहे। मेरा अगला सवाल मिसेज चौधरी से, आप क्या कहेंगे डॉक्टर चौधरी की शख्सियत के बारे में? बहुत लोग जानना चाहते हैं डॉक्टर मुकेश चौधरी क्या है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और बता भी नहीं सकता। प्लीज। शादी के बाद पता चला कि बहुत एक्टिव है, स्पोर्ट्स उनके लिए सब कुछ है जी। कोई भी बच्चा हो बड़ा हो सभी को इंस्पिरेशन देते हैं कि भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए जी जी जी। तो स्पोर्ट्स पहले से ही था जी। मैंने भी धीरे धीरे उनके साथ इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो फिर आदत सी हो गई। ये लोग सब आईएमए में से मैच खेलने जाते थे सारे डॉक्टर्स, तो मैं भी देखने ग्राउंड पे जाती थी जी, हमने देखा है आपको कई बार। तो मुझे वैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ साथ में जाने से जी, जी, जी। और पहले से उनको ऐसा था कि जो भी करो कुछ अच्छा करो जी। तो सबसे पहले शुरुआत में एक इवेंट किया था, बहुत बड़ा इवेंट किया, वो मैराथन था 2006-07 में किया जी। था वो ऑल इंडिया लेवल से सारे रनर्स आए थे जी। और प्राइस भी बहुत बड़े थे जी। फर्स्ट प्राइस 1 लाख के ऊपर था जी, 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 जी। काफी सारे 18-20 प्राइस थे उसमें जी, जी। और 5000 रजिस्ट्रेशन थे उस टाइम जी। और परेश रावल, यूसुफ पठान, बंद्रा राव सारे लोग आए, ये सारी बड़ी सक्सेस आई थी। तो बहुत सक्सेसफुल इवेंट वो किया, पूरा टीम वर्क था उनके साथ, उनकी टीम ने भी बहुत बखूबी से सब निभाया, इसको निभाया है। फिर उसके बाद ये क्रिकेट का उन्होंने किया NPL, वो भी बहुत बढ़िया, ऐसा कभी देखा नहीं था। IPL टीवी में देखते बिल्कुल, थे बिल्कुल सही। और ये लाइव हमने देखा जी, 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 कि जी। बहुत बढ़िया आयोजन, पूरे मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में लाइव था, गांव गांव में जाते थे डॉक्टर चौधरी साहब, वाल्मीकि पटेल के नाम से लोग खुश हो जाया करते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस की होती थी जी, जी, वो साहब ने अपनी शख्सियत से उसको शॉर्ट आउट कर दिया, ये सबसे बड़ा बड़ा पड़े था, पर वो भी हो गया सब लोग बिल्कुल। और उसमें मैडम मुझे इस बात को लेकर बड़ी खुशी है कि उसमें करीब 300 आदमी का रोज खाना वो मैदान पर उठता था, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? क्योंकि हमने क्रिकेट बहुत सालों से खेला, इस तरह से करीब एक महीने तक ये टूर्नामेंट चला था और लगातार एक महीने तक हर रात 300 आदमी मैदान पर खाना खाते थे, हॉस्पिटैलिटी मिल रही थी, यानी पूरे पूरा एक महीना उन्होंने एक IPL की तरह इसको एंजॉय किया। मेहसाणा के शहर में जो ग्राउंड अब इंटरनेशनल लेवल का
नितिन भाई पटेल ने हमको दिया है, आने वाले सालों में मुझसे भी बहुत फायदे उठाएंगे। ये सवाल मेरा इसलिए थी मिसेस चौधरी कि कई बार हम देखते हैं कि माएँ ये कहती हैं कि हम अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। डॉक्टर उषाबेन चौधरी खुद एक लेबोरेटरी संभाल दिए हैं, डॉक्टर साहब से उनका अलग प्रोफेशन है, बावजूद इसके डॉक्टर साहब के कंधे से कंधा इन्होंने मिलाया और खुद के बच्चे को तो इन्होंने क्रिकेट से दूर रखा, नहीं रह पाए क्योंकि उनकी ज़िंदगी में शायद क्रिकेट नहीं होगा, वो फाइनेंशियल लेवल पर अब अमेरिका में चले गए हैं। लड़की को उन्होंने ज़रूर डॉक्टर बनाया लेकिन फिर भी क्रिकेट से इनकी रुचि अब आज देखते बनती है कि हर माँ बाप के लिए एक इंस्पिरेशन है दोनों चौधरी परिवार के कपल के, जिन्होंने आज महसाना क्रिकेट को नया आयाम दिया और नए बच्चों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि आने वाले 2021 से लेकर 25 तक मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शायद उत्तर गुजरात से अब वो दिन दूर नहीं कि गुजरात रणजी ट्रॉफी और IPL में हमारे बच्चों को भी आप देखें, क्योंकि डॉक्टर चौधरी साहब की उम्र मालिक दोनों कपल की उम्र दराज मालिक करे, क्योंकि इनका शौक जब तक जिंदा है, इनका इंस्पिरेशन और इनकी खेलदिली जब तक हमारे साथ रहेगी तो आने वाले सालों में वो दिन दूर नहीं कि हमारे बच्चे भी IPL तक और गुजरात इंडिया की टीम तक जा सकते हैं, क्योंकि ये साहब का और इनकी मिसेज का भी मिसेज चौधरी का खुद का ये सपना रहा है कि हम उत्तर गुजरात को एक अच्छा क्रिकेटर दें, कम से कम क्रिकेट में इनकी रुचि के कंधे से कंधा मिला करके आपको इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि हमको इतने बड़े डॉक्टर साहब इन्होंने क्रिकेट के मैदान पर दिए। तो ऐसा तो नहीं है कि सर इस पर जब आप एज अ महसाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से आप यहाँ बैठे हो, तो इस प्लेटफॉर्म पर आने से पहले 2 दशक का एक लंबा वक्फा गुजरा, तो कई लोग आपके साथ जुड़े होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कौन वो लोग थे, हो सकता है देहात से हों, शहर से हों, जिन लोगों के साथ मिल करके आपने आज ये प्लेटफॉर्म तक आप पहुँचे हो, उनके कुछ नाम बताएं। अब वैसे देखेंगे तो जब शुरुआत की जब क्रिकेट की जी फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब जब शुरू किया तो तब हमने पहले सोचा था कि क्रिकेट और बैडमिंटन पे फोकस करें जी हाँ, और उसके लिए हमने कोच सबसे पहले कोच हमारे यहाँ पे फिरोज थे जी, और क्रिकेट में और बैडमिंटन में इरफान भाई जी जी, जिनकी लड़की अभी हाल ही में इंडिया खेलने वाली, और रनिंग में भी दूसरी मीन्स एथलेटिक्स का भी हमने फोकस किया था जी, वो रनिंग के भी एक NIS कोच थे जी, और संदीप भी हमको संदीप चौहान जामनगर सीनियर क्रिकेट कोच था, ये सब शुरुआत के हमारे साथी थे जो बिगिनिंग आपकी शुरुआत, और फिर एक आध दो साल में हमको अशोक भाई हिंगू जी मिले जी, जो उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली सबको कोच किया जी बच्चे लोगों को, और उससे आगे धीरे धीरे जैसे ये सब तो आगे बढ़ता गया, जशू भाई के राजपूत जो हमारे मीन्स हर चीज़ में मदद करने के लिए हमेशा तैयार थे जी, जो फिजिकली अयूब चाचा आए फिर अयूब चाचा थे जी, तो हमेशा मदद करने के लिए रहते थे जी, खोड़ा जी है और आसिफ है जो आज भी आपके साथ जुड़े हैं, वो आज भी हमारे साथ है, और उसके पहले हरदेव भाई जो खुद का भी कोचिंग हम चला काफ़ी कोचिंग जी, उन्होंने भी काफ़ी हमको मदद की ये सब चालू रखने के लिए। बेसिकली क्या है कि एक अकेले से कुछ होता नहीं है, बिल्कुल सर, और इस दरमियान मुझे जगह खेलने के लिए जगह मिली थी, तो ये अबूदा हमारा हॉल जो है चौधरी समाज का जी, तो उसके बाजू में हमको जगह मिली थी पहले जी, फिर दूध सागर डेयरी में जगह मिली हमको जी, वहाँ पे सब कोलैप्स हुआ तो फायर का प्रॉब्लम हुआ था डेयरी में, तो हाँ डेयरी में तब मुझे आई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम देयर, और मैं यहाँ पे जरीन गैस के बाजू में वो जगह आप शायद रेंट पे ली होगी, ने हमको मुफ्त में जगह खेलने के लिए दी, और वो भी काफ़ी सालों तक वहाँ पे चलाया, फिर हमने सोचा कि बड़ा ग्राउंड भी पे फुल साइज ग्राउंड पे भी हम अभी कोचिंग शुरू करें, तो जाके हमने वहाँ पे खुद का जो हमारे पार्टनरशिप में हमारा ग्राउंड है ऊंचा हाईवे पे जो नया बना अभी बन रहा है वहाँ पे प्रैक्टिकली अभी बन गया है जी 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 जी, तो वहाँ पे हमने शुरू किया, और इस दरमियान ये सब दरमियान हमने कुछ टूर्नामेंटें की जो बड़ी टूर्नामेंटें की उसमें हमको
काफ़ी मदद हमेशा जैसे मिलती थी ऐसे ही मिलती रही जी। जैसे फारूकी भाई, किरीट भाई, फिर क्या कहते हैं वाल्मीकि भाई, राकेश भाई, राकेश भाई जी, चिराग भाई जी, चिराग भाई जो अभी तो महसाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी भी हैं जी, और बहुत पॉजिटिव और बहुत कंटिन्यूस, बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट, और अभी पाटन यूनिवर्सिटी में भी वो एक अच्छे अहदे पर है, और वो भी खुद जी खुद क्रिकेट प्लेयर है जी 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 जी। तो क्या है कि वो समझ सकता है कि सकते हैं कि वो इसके लिए फिर वो कारवां बनता गया और हिंदुस्तान बनता गया, वैसी वाली बात हो गई। लोग जुड़ते गए सर, तो मेरा आपसे यही सबसे बड़ा अहम सवाल था कि मतलब आपने जैसे इसका स्टैब्लिश किया और आगे बढ़ते गए, तो सारे क्रिकेटर जो बड़े छोटे प्रतिभाशाली थे वो आपके साथ जुड़ते गए, तो आपको मतलब आपका जो जहन था वो सा खुलता गया और आप इस मुकाम तक पहुँचे। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है, महसाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में तो मेंबर आप सालों से रहे होंगे सर, प्रेसिडेंट किस कौन से साल में आप बने? प्रेसिडेंट 2017 में, करीब 4 साल में सर। आपके प्रेसिडेंट बनने से पहले कोई लड़के मतलब कुछ लड़के महसाना से बड़ौदा तक गए होंगे, कुछ याद आपकी इसी पसंद रही हो? वैसे बड़ौदा क्रिकेट वहाँ बड़ौदा खेलने के लिए तो काफ़ी लड़के गए जी यहाँ से, और अंडर 17, अंडर 15 जी, अंडर 13, इसमें खास करके यहाँ तक कि एक बार तो हम यहाँ महसाना डिस्ट्रिक्ट की टीम फाइनल्स में पहुँच गई थी। अच्छा, वहाँ पे जी फॉर सम रीज़न फिर जैसे अच्छे कभी कभी ऐसे गाँवों में नज़र लग जाती है, जो मानो या ना मानो ऐसा कुछ होता है जी सर, तो और वो पार्ट ऑफ लाइफ भी है सर, ऐसा हमारे साथ ही हुआ था जी सर, और समाव कुछ प्रॉब्लम्स हुए जिसकी वजह से बीच में हम करीबन 8-10 साल तक हमारा क्रिकेट वो सुसुप्त अवस्था में चला गया। अब फिर से हमने सोचा है कि हम अभी रिवाइव करें जी, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मगर आई थिंक हम इसको पार करके हम यहाँ से फिर से लड़के सब अच्छी तरह खेलने जाए वहाँ पे, और वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस बताए सर, इसलिए हो सकता है कि कोई आईपीएल में या रणजी ट्रॉफी में या कहीं भी खेले सर। यही उम्मीद लेकर हम आपके पास आए थे कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर चौधरी साहब, हम जानते हैं ये वो शख्सियत है कि जो चाहे अगर एक बार ठान ले, जो आदमी पैदा होने के बाद ये ठानता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो इंसान आज महसाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। अब इनसे हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम, इससे कम तो हम कभी चाहेंगे नहीं कि हमारे उत्तर गुजरात के लड़के, मैं महसाना नहीं कह रहा हूँ, इस बात को आप नोटिस करें, क्योंकि हम चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ी चाहते हैं, कम से कम उत्तर गुजरात से, अब कम वो वक्त आ गया है कि कुछ लड़के कम से कम गुजरात रणजी ट्रॉफी आईपीएल तक पहुँचे और वहाँ से उनकी किस्मत छमके और वो इंडिया के लिए खेले। तो मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप तो 4 साल से प्रेसिडेंट हो, क्या आपके आने के बाद, क्या वैसे 1.5-2 साल से तो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, हम आपसे ज़्यादा प्रेशराइज आपको नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में कुछ लड़के इतने अच्छे हों जो आगे जा सकते हैं, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो? मेरी डॉक्टर चिराग पटेल से बात हुई, जो आपके सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा नॉर्मल ज़िंदगी होगी, आपने नहीं सोचा होगा वैसा मैं और चौधरी साहब मेरी पूरी टीम के साथ आगे लेकर के महसाना डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है सब, आप क्या अभी एग्जैक्टली ये प्रश्न का जवाब देना मुश्किल है जी, क्योंकि इस हालात बहुत मुश्किल ऐसे हैं जी हाँ, मगर कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट 1 साल में तो हमारा महसाना का परफॉर्मेंस, क्योंकि हम बहुत सिस्टमेटिकली अभी ये सब वर्कआउट हो रहा है, वर्कआउट कर रहे हैं जी, और विद ग्राउंड हमको जो मिलेगा अभी, तो ये सब कुछ को देख कर हमें आशा है कि हमने निर्णय भी लिया है कि नहीं करना तो है ही कुछ जी सर, जी सर। और यहाँ से लड़के आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे जी, आज तक जो नहीं हुआ हिस्ट्री में वो होगा। उम्मीद पे दुनिया का आया है, ये सवाल मेरा इसलिए भी था डॉक्टर चौधरी साहब से, क्योंकि हम वैसे भी शुक्रगुजार हैं गुजरात सरकार के, जिन्होंने महसाना के शहर के बीच में महसाना म्यूनसिपल क्रिकेट ग्राउंड को इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड बनाने की हाल एक खूबसूरत कोशिश जारी है, मैं लगातार देखता जा रहा हूँ, बहुत फास्ट लॉकडाउन में भी काम चला है और बहुत जल्द ये ग्राउंड भी मुहैया हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ महसाना म्यूनसिपालिटी नगर पालिका और उसकी पूरी टीम जो कि इसको हैंडल करने वाली है, वो डॉक्टर चौधरी साहब से कम एक बार मीटिंग जरूर करें, उनसे बात जरूर करें,
क्योंकि महसाना में क्रिकेटर बहुत सारे हैं, आपको मिल भी जाएंगे, ये आपका अपना फैसला है। लेकिन डॉक्टर चौधरी साहब के पास खुद का एक 20 साल का तजुर्बा है क्रिकेट को लेकर के, और ये ग्राउंड क्रिकेट के लिए ही बना है। अभी हाल ही में पता चला फ्लड लाइट भी लग रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर चौधरी साहब से नगर पालिका भी मिले, हो सके तो सरकार भी कोशिश करे ताकि महसाना क्रिकेट को उत्तर गुजरात को एक अच्छा प्लेटफॉर्म डॉक्टर चौधरी साहब दे सकते हैं। इसीलिए हमने ये इंटरव्यू करने की कोशिश की है, हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हो लेकिन हमारे इरादे नेक हैं, उस पर आपका सपोर्ट भी चाहिए। डॉक्टर चौधरी साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप क्रिकेट इवेंट के साथ साइकिलिंग का, एक इंडियन साइकिलिंग के भी आप प्रेसिडेंट रहे हैं, सर ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि पुराने ज़माने में हम सुनते थे हमारे बूढ़े साइकिलें लेके जाते थे, आजकल तो व्हीकल्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, आपके अपने पास भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बावजूद इसके आपको मैं देखता हूँ कई किलोमीटर तक आप हमारी उषा बहन बच्चे साइकिल पे चलते रहते हैं, इसका क्या फंडा है? बेसिकली हम 2008 में बेटी बचाओ को लेके हम यहाँ से रोटरी के थ्रू साइकिल लेके यहाँ से माउंट आबू गए, वो हमने यहाँ से वहाँ पे पहुँचने में लगभग पूरा 1.5 दिन कर दिया था तब, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ था जो हम शाम को हम आबू रोड ठहरे वहाँ पे, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह को हम वहाँ से माउंट आबू जाने को निकले जी। तब वहाँ से जाके वापस आए तो हमको ऐसा लगा कि बस फिजिकली साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है जी, और उसको मैं तो कहता हूँ कि पैनेशिया है जी, सब रोग की एक दवाई, तो उसकी वजह से मैं और मुझे हम लोगों को साइकिल में इंटरेस्ट होने लगा, और हमने सोचा कि एक क्लब शुरू करें जी, और ग्रेजुअली सब पूरे महसाना को साइकिल में कर दें जी, ये साइकिल में इंटरेस्ट लोग साइकिल चलाना शुरू करें, एक अच्छी एक्सरसाइज थी इसी जी, और हमने एक क्लब शुरू किया जी, और उसको हमने इंडियन साइकिल क्लब नाम दिया जी, और तब नाट में जी 12 मेंबर्स थे जी, और तब से लेकर आज तक ग्रेजुअली हमने काफ़ी प्रोपागेंडा किया इसके लिए जी, हम गली गली घूमे जी, पैम्पलेट्स भी, कई सारे इवेंट भी किए वो भी हमने देखे हैं। हाँ, इंडियन साइकिल क्लब का एक अच्छी तरह एक बड़ी रैली की जी 2013 में जी, और उसकी वजह से काफ़ी लिफ्ट मिली इंडियन साइकिल को। एक समय था कि जो कोई इंडियन साइकिल क्लब को पहचानता नहीं था, और अब हर बच्चे के नाम मुंह पे इंडियन साइकिल क्लब जी, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर भी आजकल आप बहुत छाए हो सर। सर मेरा इसी बात को लेकर एक और सवाल है, हर रोज़ सुबह आप और हमारे मिसेज चौधरी कितने किलोमीटर साइकिल, मैं देखता हूँ अर्ली मॉर्निंग और सुबह को हम लोग जब क्रिकेट के लिए जाते हैं आप साइकिल लेके निकलते हो, कितने किलोमीटर होता होगा? कम से कम 40 किलोमीटर जाते हैं सर। मेरा नहीं पूछ रहा थी, फिर भी एक सवाल है, इस वक्त आपकी और हमारी मैडम की एज क्या होगी? मेरी एज है 59। मैं अपने व्यूवर से बताता हूँ, ये 59 और 54, इस एज में करीब कितने किलोमीटर रोज साइकिलिंग सर? कम से कम 40 किलोमीटर, उससे ज़्यादा होता है मगर इससे कम नहीं। सर ये बात को लेकर हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम तो मुश्किल से 2 किलोमीटर साइकिल, हाँ ये बात है मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं भागता रहता हूँ, लेकिन ये सबके लिए अच्छी बात है कि 40 किलोमीटर आज भी हर रोज सुबह साइकिल ये कपल चलाते हैं। इनको देख कर के बहुत कुछ सीखना है, इनसे हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाना है। ये डॉक्टर साहब आज क्रिकेट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ, बिजी लाइफ में, इस वक्त भी इनको हॉस्पिटल जाना था लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने रिक्वेस्ट की, दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला और आज इस मुकाम पर कि हर रोज़ सुबह 40 किलोमीटर सुबह करीब 5 बजे साहब वो लाइट लगा करके साइकिल लेकर मैडम और साहब निकल जाते हैं, और उनकी न सिर्फ ये दोनों लेकिन इनकी करीब 30-40-50 लोगों की टीम है, वो महसाना के इर्द गिर्द आपको घूमते मिलेंगे, आप कभी भी आइए चेक कर सकते हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, लेकिन इस उम्र में इस तरह की मेहनत मशक्क़त ये वही आदमी कर सकता है जिसका सीना मजबूत हो, जिसका जज्बा जिंदा हो। सर मेरा इसी साइकिलिंग को लेकर सवाल है, कई व्यूवर्स को सिर्फ क्रिकेट नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपकी साथी ज़िंदगी के बारे में पता चले कि आज आप क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इस मुकाम तक जाने से पहले मैंने सुना है कि साइकिलिंग से भी आपने बहुत उपलब्धियां हासिल की है, उन उपलब्धियों के बारे में आप कहेंगे सर? कि 2013 में हमने एक ह्यूज रैली साइकिल की करी थी, जहाँ करीबन 3000 साइकिलिस्ट, अच्छा 3000 साइकिलिस्ट जी जी, हमारा जो टी शर्ट कलर है जी येलो है जी, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा महसाना येलो कलर से छा गया है जी। हाँ तो तब
एक तो वो हमने किया, उसके बाद कई छोटी मोटी ट्रिप्स की है जी। जो एक तो हमारी जो बहुत ही जो यादगार ट्रिप है वो मनाली से खडूंगला जी, हमने 10 दिन में क्रॉस किया था जी। और एक उसमें लगभग हमारे यहाँ से 20 लोग हम गए थे वहाँ पे करने के लिए जी। और उसके सिवा हम एक बार हमने जम्मू से लेके मेहसाणा, जम्मू से मेहसाणा 6 दिन में 1500 किलोमीटर साइकिलिंग की, जम्मू कश्मीर से लेकर मेहसाणा तक साइकिलिंग पूरी टीम के साथ। सर वो कितने साथी होंगे आपके? हम सात लोग थे। सात लोग इंक्लूडिंग बोथ ऑफ यू, इंक्लूडिंग उषा, दो लेडीज थी। अच्छा, दो लेडीज थी जिनमें उषा बहन भी थी। साइकिल लेकर जम्मू कश्मीर से मेहसाणा तक, ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। साइकिल चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानूं, और ये जम्मू कश्मीर से लेकर मेहसाणा साइकिल लेकर के गए और आए सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कंग्रेचुलेट कहूँगा आप दोनों को सर। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद को न थकाए, चलता रहे, दौड़ता रहे, और ये ना बोले कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। आप दोनों इसके लिए हमारे लिए इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती। तो सर उसके बाद और कुछ? उसके सिवा 2018 में हमने एक साइक्लोत्सव इवेंट किया जो पूरे इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था 2018 में जो 7 दिन का एक साइकिल का त्यौहार रखा था हमने। क्या बात है, ये सर कहाँ था? यहाँ मेहसाणा में। मेहसाणा में जी। और वो भी पूरे इंडिया में आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि जो पार्टिसिपेट सारे इंडिया से जी 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 पार्टिसिपेंट आए थे जी। और बहुत ही सक्सेसफुल रहा था जी। हर एक दिन, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया इवेंट रहता था जी। ऐसे 7 दिन 7 नए इवेंट्स रहे थे, बहुत बढ़िया प्राइस भी थी जी। और आज भी लोग वो वहाँ से बाहर से डिमांड आती है कि भाई चलो फिर से करो साइक्लोत्सव। मैंने MPL के बाद ये दूसरी बड़ी उपलब्धि जिससे शायद हम बेखबर हैं जी सर। ये बहुत बड़ी इवेंट थी और हमें तभी भी वहाँ पे तब वहाँ के यहाँ के SP जी चैतन्य भाई, चैतन्य मंडलिक साहब जो मेहसाणा शहर के SP, उनका सलाम है ऐसे साहब को जो हमारे साहब के साथ जुड़े हैं। बहुत ही बड़ा सपोर्ट किया था जी। और वो भूल नहीं सकते सर। वो भी एक यंग एज के SP साहब थे और उन्होंने, मुझे मतलब है कि वो कभी कभी ग्राउंड में भी आ जाया करते थे क्योंकि हम भी क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे कई SP साहब मेहसाणा में आए जो क्रिकेट के साथ भी जुड़े हैं। और चैतन्य मंडलिक साहब का तो जो आपने जिक्र किया, उनको तो मैं जानता था, वो स्वभाव से नेचर वाइज भी बड़े अच्छे थे और उनका आपको मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में कि हमारे डॉक्टर चौधरी साहब, तो आने वाले मेहसाणा के तमाम ऑफिसर्स, फिर वो कलेक्टर साहब हों, SP साहब मेहसाणा हो, म्यूनसिपैलिटी प्रेसिडेंट हो या चीफ ऑफिसर हो, ममलतदार हो, जो मेहसाणा शहर से जुड़े अधिकारी हैं, वो हमारे चौधरी साहब का उपयोग करें। क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार भी चाहती है कि लोग खेलकूद के साथ खुद को बाहर लाएं। कोरोना की इस महामारी में डॉक्टर चौधरी साहब हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। सर आपका एक IMA ग्रुप चलता है मेहसाणा में, जिसमें कई बार मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। पूरे मेहसाणा के सारे डॉक्टर्स हैं, जिनमें डॉक्टर जावेद साहब हैं, RK पटेल साहब हैं या पीयूष पटेल साहब, कई सारे डॉक्टर्स हैं जो आपके साथ स्पोर्ट्स इवेंट में हमेशा जुड़े रहते हैं। साल में कई सारे आप स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं, तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी टीम है और ये सालों से चलती आ रही। और इसकी भी एक टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट आप कई सालों से चलाते हैं, जिसमें खुद आप बतौर प्लेयर खेलते हैं। ऑफ द कैमरा मैडम से हमारी बात हुई कि वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, कुछ उनके बारे में बताएं। IMA ग्रुप के बारे में, IMA का एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, एक और प्रमुख पद साहब के पास है, यानी उसकी तो पूरी हारमाला है साहब के पास। मैं तो ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इंडियन साइकिल प्रेसिडेंट, फिर IMA ग्रुप प्रेसिडेंट, कई सारे ऐसे अहदे सारे हैं, लेकिन इनकी शालीनता, इनकी सरलता और इनकी सौम्यता, यही डॉक्टर साहब चौधरी साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि है जी सर। वो हम शुरू से पहले वॉलीबॉल और क्रिकेट खुद अंदर अंदर खेलते थे जी, मगर एक दिन फिर सोचा कि चलो हम पूरे नॉर्थ गुजरात के सारे IMA हैं उनको इन्वॉल्व करें और हम साथ में खेले। तो खेलने का आशय तो बेसिकली यही था कि अगर डॉक्टर एक दूसरे के सामने मिले तो दोस्ती बढ़ेगी और रिलेशंस बढ़ेंगे और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा तो जनता को ही होना था। जैसे कोई पेशेंट आ गया तो एक दूसरे को आप वो ट्यूनिंग से भी बता सकते हैं कि ये पेशेंट ये। आपने कोरोना में भी एक पूरी टीम बना करके बहुत ज़बरदस्त काम किया है, उसके बारे में थोड़ा कहें, क्योंकि कोरोना का ये वक्त चल रहा है। कोरोना में बेसिकली सारे डॉक्टरों ने काम किया जनता के लिए, बेसिकली सूचन है जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए कौन सी चीज़ की डर रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ की डर नहीं रखनी चाहिए, ये सब कुछ हमने
कोशिश करेगी टीवी पे सब लोग जाने, और इन अदरवाइज ऑल्सो सारे डॉक्टर मिलके कोरोना के सामने डर रखे बिना, इनफेक्ट जो फर्स्ट वेव आया था तो सारे डॉक्टरों को कोरोना एक बार तो हो ही गया था जी सर, और इसके बाद अभी जो सेकंड वेव आया तो उसमें तो रात दिन लोगों ने काम किया है जी। और जो कभी सुबह 7-6 बजे कई लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते थे और रात को 12-1 तक वहाँ पे काम करते थे और कंटिन्यूसली, ये तो आपको मालूम ही है कि कोरोना कितना डेंजरस के बहुत जबरदस्त है, और उसके बावजूद सब लोग वहाँ पे काम किए। और नॉट ओनली दैट, जो नॉन फिजिशियंस थे उन लोगों की भी काफ़ी मदद मिल रही थी, और वो भी कभी भी जब भी गए तो साथ में साथ देते थे। कोरोना वॉरियर्स के बारे में हिंदुस्तान भारत ने पूरी एक एडवाइजरी जारी करी जिसमें कोरोना वॉरियर्स में सबसे पहला नाम डॉक्टर्स का था, ये तो हम सब जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, महसाना के डॉक्टर्स, डॉक्टर मुकेश चौधरी साहब हो, डॉक्टर जावेद शेख साहब हो, डॉक्टर पीयूष पटेल साहब, डॉक्टर राजेश पटेल, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त एक साल में काम किया है कि पूरे उत्तर गुजरात के सारे जितने पेशेंट हैं, जो पेशेंट हैं और जो नहीं भी है, वो इनके साथ मिलजुल कर इन्होंने कोरोना को भगाने में सबसे अहम रोल इन लोगों ने अदा किया है। उसके लिए भी हम इनको हैट्स ऑफ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि इन जैसे डॉक्टर्स महसाना की सरजमी को मिले। ट्रायथलॉन सर ने एक शुरू किया था और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया पूरी टीम लेकर के गए थे, मैं उसके बारे में सर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये ट्रायथलॉन क्या होता है। ये ट्रायथलॉन एक ऐसी इवेंट है जहाँ स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, वो तीनों चीज़ एक साथ करनी होती है जी। स्विमिंग 3.8 किलोमीटर्स ओपन वाटर में करना होता है जी, यानी कोई भी सी या रिवर में जी करना होता है। फिर उसके बाद जो साइकिलिंग आता है वो 180 किलोमीटर साइकिलिंग होती है जी, और उसके बाद रनिंग होता है वो 42 किलोमीटर्स जी। ऑल दिस वी हैव टू कंप्लीट कंटिन्यूसली, आपको रेस्ट करना हो, जो करना हो, यू हैव टू कंप्लीट विद इन 17 आवर्स, 17 घंटे के अंदर आपको ये सब करना है, ये पूरा करना होता है जी। उसके लिए और इसी का हाफ डिस्टेंस कहते हैं जी। जो स्विमिंग में, साइकिलिंग में, स्विमिंग में जैसे कि 1800 मीटर्स स्विमिंग और साइकिलिंग 90 किलोमीटर और रनिंग 21 किलोमीटर्स, उसको हाफ आयरनमैन कहते हैं, वो फुल आयरनमैन कहते हैं और इसको हाफ आयरनमैन कहते हैं जी। हाफ आयरनमैन इंडिया में कई जगह पे होती है जी, उसमें ऑफिशियल जो हाफ आयरनमैन वो गोवा में होती है जी। वो अभी से एक ही बार अभी तक तो हुई है जी, दूसरी बार उन्हें ये कोरोना की वजह से नहीं हुई जी। और इसमें हम रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ हमारे जो क्लब के लोग हैं जी, वो हम 5-6 जने हैं जो इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए। अच्छा। और उसके लिए पार्टिसिपेट भी करते हैं जी। और कई यहाँ पे जो इंडिया में है वहाँ पे तो हम और उसे विनर्स भी हो चुके हैं जी, एक दो इवेंट में विनर्स भी हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आप जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया हम गए थे जी। और उसके और दूसरा एक इवेंट है उसको PBB कहते हैं जी, तो PBB में 1200 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है। अच्छा। वो पेरिस में होता है जी, तो उसके लिए भी हम यहाँ से लगभग करीबन 7 लोग यहाँ से गए थे पेरिस जाके जी जी जी। और बस ये सारी आपकी उपलब्धियाँ हमें ऐसा है कि जितना हो मतलब चलते रहें, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, इस बहाने हम कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स में जुटे रहते हैं और हमारी जो फिटनेस है जी, वो फिटनेस इसी वजह से है कि हम कंटिन्यूसली कोई टारगेट रखते हैं, हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, खुद को कभी आपने रुकने नहीं दिया। हो सकता है कई बार कि हम फेल भी हुए हैं, मगर देन इट्स ऑलवेज कि भाई चलो नेक्स्ट टाइम कर देंगे। फेल होने के बाद जिंदगी से मायूस नहीं हुए, मायूस नहीं होते जी सर, ये बहुत बड़ी बात है। इसी बहाने हमारा जो फिटनेस है जी, इट इज क्या है कि हमको ऐसा ही होता है कि कुछ ज़्यादा करें और ये दिल मांगे मोर। यस सर, दैट्स अ स्पिरिट, ये बहुत बड़ी बात है सर। एक 1200 किलोमीटर की एक साइकिलिंग आपने कहीं की थी, मैंने सुना था वो पेरिस में हमने। अच्छा, पेरिस में आपने थी। पेरिस में 1200 किलोमीटर साइकिलिंग की सर, कंटिन्यूसली विदाउट मींस यू कैन रेस्ट, मगर वो ऐसा है कि 1200 किलोमीटर यू हैव टू फिनिश इट इन 90 आवर्स जी सर, 90 घंटे में वो 1200 किलोमीटर पूरी करनी। सर यहाँ से बहुत सारी बातें आपसे करी, बहुत अच्छा भी लगा। मैं नहीं कहूँगा कि समाज के लिए क्या संदेश है,
मैं ये चाहता हूँ उत्तर गुजरात के लिए डॉक्टर चौधरी साहब और मिसेज चौधरी साहब का क्या संदेश है, फिर उसके बाद मेरा आखिरी सवाल। बेसिकली एक बात है कि ये बीमारियाँ तो कोरोना में जी हमारी लव एंड बेली एक सर्जिकल बुक है उसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि दुनिया में इतने सारे रोग हैं जी, इट इज़ सरप्राइजिंग कि इतने सारे रोग के बीच में ये ह्यूमन कैसे सर्वाइव होते हैं, रोग कैसे सर्वाइव होते हैं। यस सर, तो इसी को लेके बेसिकली ये आज तो ये कोरोना है, कल और कोई बीमारी आएगी, परसों और कोई बीमारी आएगी, वन काइंड ऑफ वायरस सर, ये सिर्फ एक वायरस है, वो सब तो अलग अलग होंगे, हम तो वही है जी। तो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फाइट, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए और सब ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इससे अच्छा रास्ता तो और कोई है ही नहीं, यानी खेल खेल एक्सरसाइज। हमने सुना था सर खाने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, पौष्टिक खोराक खाना चाहिए साथ में, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री जी सर, मगर जो मेन है वो ये उकाड़े बुकाड़े सब कहते हैं कि भाई ये करो वो करो, सिर्फ बातें हैं, सब बातें हैं, कोई ऐसे कोई इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। अल्टीमेटली सर आपको स्पोर्ट्स पर्सन बन के रहना है, हाँ, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट खेलो या यानी अपने आपको खेल के साथ जुड़ा रखो, खेल के साथ जुड़ा रखो जो मैदान पर होता है, और हमेशा कोई भी स्पोर्ट्स खेलो तो मैं तो समझता हूँ कि कहता हूँ कि कुछ टारगेट रख के खेलो, एक आपका गोल होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तो देन एंड देन ओनली यू विल कंटिन्यू जी सर, और एक ग्रुप होनी चाहिए कि जहाँ जिसके साथ टीम वर्क पूरा टीम होना चाहिए, तो क्या है कि आज अगर खेलने नहीं आया तो कल दूसरे वहाँ से बुलाएंगे भाई क्यों नहीं आया, अच्छा चलो आओ खेलने के लिए, तुम कंटिन्यूस रहेगा सर, वो स्लोगन आप सिद्ध कर रहे हो सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, ये चीज होनी चाहिए जिंदगी में। देखिए सर का भी यही कहना है कि सिर्फ बातों में नहीं, ये चीज़ें सिर्फ बातों में नहीं होनी चाहिए, साहब की ज़िंदगी से हमको सीखने मिला है कि सबको साथ लेके चलो, सबका विश्वास जीतो और फिर विकास की बातें करो, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता ये चीज़ें। हमने जो साइक्लोत्सव किया था उसमें भी हमने हमारा जो स्लोगन था वो वन कास्ट वन नेशन, अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है सर। बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि कोई छोटा नहीं कोई मोटा बड़ा नहीं, कोई मीन्स कोई कास्ट का डिफरेंस नहीं होना सर, इसको मैं अपने व्यूवर्स के लिए इसका ट्रांसलेशन कर दूँ, वन कास्ट वन नेशन का मतलब ये है कि डॉक्टर मुकेश चौधरी नहीं डॉक्टर मुकेश भारत, डॉक्टर मुकेश हिंदुस्तान, अयूब फारूकी नहीं अयूब हिंदुस्तान, ये वन नेशन वन कास्ट है, यानी साहब का मकसद ये है कि हम सब भारतीय हैं, और ऐसे कोरोना काल में साहब ये कहना चाहते हैं कि आप खुद को इवेंट क्रिकेट या किसी भी खेल के साथ जुड़ें, ये ज़रूर है कि हम लोग क्रिकेट से जुड़ें तो हम तो क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर चौधरी साहब का ये कहना है, डॉक्टर मुकेश साहब का ये कहना है कि आपको ज़िंदगी में सुस्त और तंदुरुस्त रहने के लिए किसी न किसी खेल के साथ अपने आप को जुड़े रखें, और वही चीज़ आपकी खेल दिली बनकर आपको उभार के बाहर लाएगी, यही कहना चाहते हैं ना सर। मेरा आपसे आखिरी सवाल, आज आप महसाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आने वाले सालों में महसाना को और उत्तर गुजरात को आप कहाँ देखते हैं क्रिकेट की हैसियत क्रिकेट के लेवल पर? डेफिनेटली अगर जिस हिसाब से अभी माहौल खड़ा हो रहा है जी, और जिस हिसाब से हमें ग्राउंड भी आज तक जो महसाना के पास कोई ऐसा अच्छा ग्राउंड नहीं था जी, तो आज ग्राउंड भी मिल रहा है जी, और IPL और सब जो टूर्नामेंट्स खेली जाती है जी, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन्स मैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से कुछ बच्चे डेफिनेटली कोई हायर लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। लकीली एक एग्जांपल देने के लिए हमारे पास एक है जो बैडमिंटन में वो भी जब शुरुआत की थी हमने बैडमिंटन से शुरू की थी जी, वहीं हमारा ही कोच के अंडर उनकी लड़की यहाँ नेशनल्स इंटरनेशनल लेवल पे इरफान मीर की बात कर रहे हैं, तस्नीम मीर की बात कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान में छा गई है, आज हिंदुस्तान में छा गई, उसमें साहब का पुशबैक है और बहुत बड़ा रोल है महसाना डॉक्टर्स IMA एसोसिएशन का, बहुत बड़ा रोल रहा है ये इरफान मीर को कहना चाहिए, हम वक्त आएगा इसी चैनल यूट्यूब चैनल पर इरफान मीर का भी इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनकी लड़की तस्नीम मीर का भी इंटरव्यू लेने वाले हैं, लेकिन एक बात मैं ख़ास बता दूं, मेरी खुद इरफान मीर से बात हुई कि उनकी लड़की वो तो खुद महसाना पुलिस डिपार्टमेंट में एक मुलाजिम की हैसियत से काम करते हैं, लेकिन उनकी लड़की दुनिया के कई मुल्कों में खेली है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो ये डॉक्टर मुकेश चौधरी साहब की IMA ग्रुप, जिसमें महसाना के अनकरीब सारे डॉक्टर्स का सहयोग है, उनका सहकार है, उसी की बदौलत आज ये लड़की हिंदुस्तान में छाई है जी सर।
बस मैं यही कोशिश है कि हमारे क्रिकेट में भी ऐसा कोई यहाँ से जाए ऊपर और नाम रोशन करें मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हाल ही में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में कुछ लड़के जिनको आप नज़दीक से जानते हो जो कुछ बहुत अच्छा खेलते हो, जैसे हमने नील पटेल का नाम सुना है, एक बड़ा अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, ऐसे कई लड़के हैं जो आपके ध्यान में हो जो आगे वाले आने वाले समय में हमारे मेहसाना के लिए कुछ नाम? कुछ लड़के अच्छे खेल रहे हैं लेकिन ये कोरोना की वजह से शायद अभी रेगुलरिटी नहीं होगी। अब एक प्लेयर है सुभाष का क्रिकेट प्लेयर है, वो 30 साल उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया ये रणजी ट्रॉफी और उसमें मगर उसको सिलेक्ट नहीं किया। जब करसन गावरी जी ने पूछा कि सिलेक्टर्स को क्यों ऐसा किया तो वो कहते हैं कि भाई ही विल नेवर बी एबल टू प्ले। आज तो नहीं खेल चिल्ला किया मगर कभी भी हम सिलेक्ट करने वाले नहीं हैं क्योंकि बेसिकली ये 30 साल का हो गया ऑलरेडी, तो वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन यंगर प्लेयर्स। सर हम जस्टिफाई तो नहीं कर सकते लेकिन बात तो सही भी है। हाँ, क्योंकि 30 साल की उम्र में इंडिया खेलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खेलेगा तो देश को क्या फ़ायदा होगा? दो तीन साल खेलेगा फिर आगे जाके बंद हो जाएगा। और याद ये अगर कोई 20-21 ईयर्स या 22-23 ईयर्स का उनके लड़के पर अगर इन्वेस्ट किया है तो वो ज़्यादा साल तक खेल सकता है। सॉरी टू से मैं सर की बात को क्लियर करना चाहता हूँ उन पेरेंट्स के लिए कि जो अपने बच्चों को IPL में देखना चाहते हैं, कि आप अपने बच्चों को बचपन से करीब 10 या 12 साल की उम्र में जब वो खेलने कूदने लगे तब से आप उनके दिल में क्रिकेट का जुनून डालें और उसको मैदान पर भेजें। उसके लिए FSC क्लब तो थी लेकिन अब मेहसाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लगा है। अब आने वाले सालों में मेहसाना क्रिकेट के लिए एक नया ग्राउंड भी तैयार हो रहा है और हो चुका है, उसके लिए भी मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। लेकिन अपने बच्चों को करीब 12 या 14 U14 से शुरुआत करा दें ताकि वो 20 साल की उम्र में इंडिया खेल सके, तो उसके लिए आप 14 साल से शुरुआत करें 10-12 साल के बाद, कि अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए खुद माँ बाप मेहनत करें जैसे चौधरी फैमिली ने की है उनके बच्चों के लिए। तो मतलब सबका कहना ये है कि एक एज के बाद 20 साल की उम्र से पहले अगर वो अच्छा खेलने लगे तो ज़रूर वो ऊपर तक जा सकते हैं, यही कहना है सब। वहाँ पे भी ऐसा ही फोकस करते हैं कि जो U17 है दे प्रीफर ऑलवेज पीपल हु आर बिलो 17 और अच्छी तरह खेलने लगे तो उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उनको अच्छा प्लेयर उनकी तरह से ट्रेनिंग अच्छी मिले और आगे जाके कुछ कर सकें। सर तो मेरा आपसे इसी को लेकर एक सवाल ये भी है कि मतलब आने वाले साल में हम डॉक्टर चौधरी साहब की सरपरस्ती में मेहसाणा क्रिकेट को बहुत ऊपर तक ले जाते हुए देख सकते हैं? क्योंकि आपकी उम्मीदें बता रही है, आपका साथ और आपका मतलब जो जज्बा है वही इस बात को लेकर के हमें इस बात को लेकर आशंकाओं को दूर करते हुए खुद को इतना प्रफुल्लित हम महसूस कर रहे हैं कि आने वाले साल मेहसाणा क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेहसाणा के एक अच्छे नागरिक की हैसियत से आप नगर पालिका को कुछ कहना चाहेंगे, गुजरात सरकार को कहना चाहेंगे कि वो ग्राउंड आने बच्चों क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए बनाए, ये मैदान अभी जो फ्लड लाइट के लिए इश्तेहार आया हमने अखबार में पढ़ा कि ये मैदान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए बनाया गया है, तो ये तो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि आप उनके लिए भी एक मैसेज दें कि आने वाले सालों में वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करें और मैदान आपके सुपुर्द हो जाए? मैं तो यही कह रहा हूँ कि बेसिकली ऐसा ना हो कि जो ग्राउंड है वो बिजनेस में चला जाए। Exactly, people who are really interested in sports, especially cricket, उन्हीं को अगर उन्हीं को साथ लेकर अगर वो करे तो हो सकता है कि ये ग्राउंड का फ़ायदा मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उसको किस तरह भले ही वो लोग साथ में रहे और पर ये जो भी क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पे है सारे जी उनको और या तो फिर क्रिकेट के लिए जो कुछ करना चाहते हैं जी वैसे लोगों को सब मिला के साथ में रहना चाहिए जिससे कि ये कुछ हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। डॉक्टर चौधरी साहब मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से नगर पालिका गुजरात सरकार और इसके जो भी उत्तराधिकारी हैं जो इसको हैंडल करने वाले मैनेज करने वाले उनके लिए भी ये मैसेज है कि वो इस ग्राउंड को एस्टैब्लिश करने के लिए और नया बन जाने के बाद एक बार मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से ज़रूर बात करें ताकि हम आने वाले सालों में मेहसाणा से कुछ लड़के अच्छे लड़के IPL और गुजरात रणजी ट्रॉफी के बाद इंडियन टीम तक पहुंचा सके, ये हमारी आकांक्षाएं हमारी शुभेच्छाएं हमारी दुआएं हैं और उसके लिए हम ये दोनों कपल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सब आखिरी बार आप जनता के हमारे मेहसाणा के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक मैसेज डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रेसिडेंट की हैसियत से आप और
हमारी मैडम, पहले मैडम आप कुछ लड़कों के लिए आप मैसेज। वही सारे लड़के जो छोटी उम्र से ही शुरू करें तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके पेरेंट्स पेरेंट्स भी उनको एनकरेज करें एक्सरसाइज और मेन क्रिकेट के लिए, वो छोटी उम्र से सीखेंगे तो आगे तक जाने का चांस है। जी सर, सर बस यही कि जो भी लोग क्रिकेट से जुड़ना चाहते हैं वो उनके बच्चों को यही जैसे कहा कि छोटी उम्र में से प्रैक्टिस शुरू कराना चाहिए। ये कोई और उसके लिए पूरी मेहनत, जितना कि पढ़ने में अगर फर्स्ट आना है तो कितनी मेहनत करते हैं, वैसे इसमें क्रिकेट में भी ऐसा ही है कि मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेहनत करते रहते हैं और अगर कोई भी तकलीफ है, कोई भी ज़रूरत है तो हम लोग हैं, विल बी देयर टू हेल्प यू। तो गरीब बच्चों के लिए भी आपसे मेरी मेहसाना क्रिकेट के उन युवान और गरीब बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी एक पॉलिसी बनाएं कि गरीब से गरीब बच्चा भी हो वो क्रिकेट मेहसाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से खुद को जोड़कर खेल सके और वो आगे जा सके। उसके लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसी स्कीम बनाएं कि वो गरीब से गरीब बच्चा भी मैदान में आए, खेल सके। उसके लिए भी जो कुछ बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन आपको जो स्टाइपेंड वगैरह देता है तो उसके लिए आप एक स्कीम बनाकर उनके लिए आप मेहनत करेंगे, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कोशिश यही रहेगी कि कोई भी गरीब हो या पैसा हो जो भी सब लोग एक जगह पे खेल सके, ऐसा ऐसी कोशिश करूँगा। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर चौधरी साहब और हुसैन साहब। व्यूवर्स से मेरा ये आखिरी निवेदन है कि हमने ये नई चैनल की यूट्यूब पर शुरुआत की है। आने वाले दिनों में हम मेहसाणा उत्तर गुजरात के और गुजरात के जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं टेनिस और सीजन की, उन सबके बारी बारी से इंटरव्यू लेते चलेंगे। आज हमारे बीच बैठे ये कपल चौधरी परिवार, डॉक्टर मुकेश चौधरी साहब और डॉक्टर उषाबेन चौधरी साहब का हम मेहसाणा क्रिकेट सीनियर प्लेयर्स और हमारी चैनल के प्रति तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने अंदाज में आखिरी में इतना कहूँगा कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा, चेहरों को पर्दे वाली नज़र दे के जाऊँगा, यारों में इस जमाने का वो शंख तराश हूँ कि पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। मैं अपनी इस इवेंट चैनल के साथ मैं अय्यूब फारूकी क्रिकेट एक्सपर्ट, मेरे साथी क्रिकेटर क्रिकेट एक्सपर्ट किरीट चौधरी, सचिन चौधरी साहब और शाहबाज खान कमेंटेटर ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए लेकर के आए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, सबा खैर, जय जय गरीब गुजरात।